दास्तान ईमान फरोशो की तारीखी अदब हिस्सा अव्वल मुसन्निफ इनायतुल्लाह अल्तमश पार्ट 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्यूबी ने उसे कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से आयश कर रहे, उन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदि हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं, सलाउद्दीन अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया। उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती, मेरे आदमी नाकाम हो चुके, नाजी ने उसे कैद कर रखा है। उससे अगली रात का वाकिया है। रात अभी अभी तारीख हुई थी, ज़कुई अपने कमरे में थी, नाजी औरोश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा, बाहर के चिरागों की रोशनी में उसे दो घोड़ा सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ताजिर नहीं। इतने में औरोश बाहर निकला, दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और औरोश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। औरोश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चुग्गे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक एक खंजर था। औरोश उन्हें अंदर ले गया, दरबान एक तरफ खड़ा था। ज़कुई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दो। ज़कुई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल थी कि वो कमांडरों पर भी हुकूमत चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई ख़ास बात है। उसे याद आया कि वो दो रातें पहले नाजी उसकी मौजूदगी में औरोश से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ, तुम दो पयाम्बर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने ज़कुई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी सुनी थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने उस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाज़ें धीमी थी, उसे कोई बात समझ न आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना, अगर कोई शक में पड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना। जान पर खेल जाना, जो भी रास्ते में हाइल हो उसे ख़त्म कर देना। तुम्हारा सफ़र 4 दिनों का है, 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो, शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले, ज़कुई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे, नाजी और औरोश भी बाहर खड़े थे, सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेज़ी से रवाना हो गए। नाजी ने ज़कुई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत है, तुम आराम करो, अगर अकेले दिन न लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, ज़कुई ने कहा, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली। नाजी और औरोश चले गए। ज़कुई ने चुग्गा पहना, कमर बंद में खंजर उड़सा
और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद सौ गुज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम में दाखिल हुई तो वहाँ की रहने वालियों ने उसे हैरान होके देखा। वो पहली दफा वहाँ गई थी। सब ने उसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन दो लड़कियों ने भी उसे खुश आमदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। ज़कुई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खरान मुलाजिमा भी वही थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़कुई को बड़े गौर से देखा। ज़कुई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रिहाइश गाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। ज़कुई हरम से निकली तो नाजी की रिहाइश गाह की तरफ जाने के बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सिमत चल पड़ी। उधर एक पिक डंडी भी थी लेकिन ज़कुई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक सिया साया चला जा रहा था। वो कोई इंसान ही हो सकता था मगर सर से पाँव तक एक लुबादे में लपटा होने की वजह से सिया भूत लगता था। ज़कुई की रफ्तार तेज हुई तो उस भूत ने अपनी रफ्तार उससे भी तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियाँ थी। ज़कुई उनमें रोपोश हो गई। सिया भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहां से कोई 250-300 गज आगे सलाहुद्दीन अयूबी की रिहाइश गाह थी जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। ज़कुई का रुख उधर ही था। वो घनी झाड़ियों में से निकली थी कि बाईं तरफ से सिया भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था। उसके पांव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा। चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर ज़कुई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़कुई की चीख नहीं निकली। खंजर उसके कंधे से निकल गया। ज़कुई ने इतना गहरा जख्म खा कर भी नहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो ज़कुई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। ज़कुई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। उसके साथ ही उसके अपने पहलू में खंजर लगा लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा। भूत चकरा कर गिरा। ज़कुई ने ये नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अयूबी अली अयूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी जहां तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाजें सुनाई दी तो वो दौड़ कर पहुंचा। ज़कुई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। उसके दो नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया
और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया। उसके पीछे सलाहुद्दीन अयूबी दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, तबीब और जर्राह को फौरन बुला लाओ। लड़की को सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने पलंग पर लेटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को ना बुलाओ, लड़की ने नहीफ आवाज में कहा, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें जख्मी किसने किया है जकोई? अली बिन सुफियान ने पूछा। पहले जरूरी बात सुन लो, जकोई ने कहा। शुमाल मशरिक की तरफ सवार दौड़ा दो। दो सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चुग्गे बादामी रंग के है। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सिया है। वो ताजिर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फरेंग को भेजा गया है। नाजी की ये सौडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। उन दो सवारों को रास्ते में पकड़ लो। तफसील उनके पास है। बोलते बोलते जकुई को गशी आने लगी। दो तबीब आ गए। उन्होंने जकुई का खून बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। उसके मुंह में दवाइयां डाली जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वो जरूरी पैगाम दे चुकी थी। उसके बाद उसने दूसरी सारी बातें सुनाई। मसलन नाजी ने औरोश के साथ क्या बातें की थी, उसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था, नाजी का गुस्सा और भाग दौड़, दो सवारों का आना वगैरह। फिर उसने बताया कि उसे कुछ इल्म नहीं कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजू देखकर इधर ही रिपोर्ट देने के लिए आ रही थी कि पीछे से किसी ने उसे खंजर खोप दिया। उसने अपना खंजर निकाल कर हमला आवर पर हमला किया। हमलावर की चीख बताती थी कि वो कोई औरत है। उसने हमले की जगह बताई। उसी वक्त उस जगह आदमी दौड़ा दिए गए। जकुई ने कहा था कि वो जिंदा नहीं हो सकती। उसके खंजर उसके सीने और पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था। ज्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। जकुई ने सलाउद्दीन अयूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाउद्दीन अयूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर उसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोताही तो नहीं की। आपने जो फर्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तुमने उससे ज्यादा पूरा किया है। अली बिन सुफियान ने उसे कहा, मेरे तो वहन व गुमान में भी नहीं था कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ मखबरी के लिए वहां भेजा था। काश मैं मुसलमान होती, जकुई ने कहा। उसके आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरे उस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को दे देना। उनकी माजूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रक्कासा बना दिया था। जकुई का सर एक तरफ ढलक गया। आंखें आधी खुली रही और होठ इस तरह नीम दा जैसे मुस्कुरा रही हो। तबीब ने नब्ज पर हाथ रखा और सलाउद्दीन अयूबी की तरफ देखा। सर हिलाया। जकुई की रूह उसके जख्मी जिस्म से आजाद हो गई थी। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, यह किसी भी मजहब की थी, उसे पूरे एजाज के साथ दफन करो। उसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है। ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश आई है। वो एक उधेड़ उम्र की औरत की लाश थी। जाए वकूस से दो खंजर मिले थे।
उस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की मुलाजिमा थी जिसने इनाम की लालच में जकोई पर कातिलाना हमला किया था। रात को ही जकोई को फौजी एजाज के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजिमा की लाश गड़ा खोद कर दफना दी गई। दोनों को खुफिया तरीके से दफनाया गया। उन्हें जब दफनाया जा रहा था, सलाउद्दीन अयूबी ने नहायत आला नस्ल के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके उन्हें अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के उन दो आदमियों के पीछे दौड़ा दिया जो नाजी का पैगाम लेके जा रहे थे। जकुई कौन थी? वो मराकिश की एक रक्कासा थी। किसी को भी मालूम नहीं कि उसका मजहब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अयूबी की एटनी जिंस जासूसी और सरागरसानी का सरबरा था। उसे दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग इख्तियार करने पड़ते थे। सलाउद्दीन अयूबी उसे अपने साथ मिस्र लाया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि सौडानी फौज का सालार नाजी साजिशी और शैतान है। उसके अंदरून खाने हालात मालूम करने के लिए अली बिन सुफियान ने जासूसों का जाल बिछा दिया था। उसे राज की एक बात ये मालूम हुई कि नाजी हसन बिन सबा के फिदाइयों की तरह मुखालिफिन को हसीन लड़कियों और हशीश से फांसता, अपना गर्विदा बनाता या मरवा देता है। अली बिन सुफियान ने तलाश बसियार के बाद किसी की वसातस से जकुई को मराकिश से हासिल किया और खुद बुर्दा फरोश का बहरूप धार कर उसे नाजी के हाथ बेच दिया। उस लड़की में ऐसा जादू था कि नाजी उसे सलाउद्दीन अयूबी को फांसने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर खुद ही उस लड़की के दाम में फंस गया। फंसा भी ऐसा कि उसके सामने वो अपने नायब सालार के साथ राज की बातें करता रहा। उसने जकुई को जश्न की रात सलाउद्दीन अयूबी के खेमे में भेज दिया और अपनी इस फतेह पर बेहद मसरूर था कि सलाउद्दीन अयूबी का उसने बुत तोड़ दिया है। अब वो उसी लड़की के हाथों उसे शराब भी पिला सकेगा और फिर उसे अपना मुरीद बना लेगा। मगर उसके फरिश्तों को भी मालूम न हो सका कि जकुई सलाउद्दीन अयूबी की ही जासूसा थी। वो उसे खेमे में रिपोर्टें देती रही और सलाउद्दीन अयूबी से हिदायत लेती रही थी। उसके खेमे से निकलकर जकुई दूसरी तरफ चली गई थी जहां उसे मुंह सर लपेटे एक आदमी मिला था। वो आदमी अली बिन सुफियान था जिसने उसे कुछ और हिदायत दी थी। उसके बाद जकुई नाजी के घर से बाहर न निकल सकी, इसलिए वो अली बिन सुफियान को कोई रिपोर्ट न दे सकी। आखिर उसे मौका मिल गया और वो ऐसी खबर लेकर वहां से निकली जो खुदा के सिवा किसी और को मालूम न थी। ये जकुई की बदनसीबी थी कि हरम में उसके खिलाफ इसलिए साजिश हो रही थी कि उसने नाजी पर कब्जा कर लिया है। ये साजिश कामयाब हो गई और जकुई कत्ल हो गई, लेकिन वो इत्तला पहुंचाने तक जिंदा रही। उसके मरने से कुछ अरसे बाद वो मुआवजा जो अली बिन सुफियान ने उसके साथ तय किया था सलाउद्दीन अयूबी की तरफ से इनाम और वो रकम जो अली बिन सुफियान ने नाजी से बुर्दा फरोश के बेस में जकुई की कीमत के तौर पर वसूल की थी, मराकिश में जकुई के माजूर वालिदैन को अदा कर दी। मौत की उस रात के सितारे टूट गए और सुबह तुलू हुई तो अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ इंतहाई रफ्तार से शुमाल मशरिक की तरफ जा रहा था। आबादियां दूर पीछे रह गई थी। उसे मालूम था कि फिरंग के हेड क्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। रात उन्होंने घोड़ों को थोड़ी देर आराम दिया था। यार भी घोड़े थके हुए भी ताज़ा दम लगते थे।
दूर उफक पर खजूर के चंद एक दरख्तों में आली को दो घोड़े जाते नजर आए। उसने अपनी पार्टी को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए टीलों के साथ साथ हो जाने को कहा। वो सोहरा का राजदान था, भटकने का अंदेशा न था। उसने रफ्तार और तेज कर दी। अगले दो सवारों और उसकी पार्टी में कम व बेश 4 मील का फासला था। ये फासला तय हो गया मगर घोड़े थक गए। वो जब खजूरों के दरख्तों तक पहुँचे तो दो सवार कोई 2 मील दूर मिट्टी की एक पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। उनके घोड़े भी शायद थक गए थे। दोनों सवार उतरे और नजरों से ओझल हो गए। वो पहाड़ी की ओट में बैठ गए हैं, अली बिन सुफियान ने कहा, और रास्ता बदल दिया है। फासला कम होता गया और जब फासला चंद सौ गज रह गया तो दोनों सवार ओट से सामने आए। उन्होंने घोड़ों की सर पर दौड़ने का शोर सुन लिया था। वो दौड़ कर गायब हो गए। अली बिन सुफियान ने घोड़े को ईड लगाई। थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत दिया और रफ्तार तेज कर दी। बाकी घोड़े भी तेज हो गए। पहाड़ी के अंदर गए तो दोनों सवार वहां से जा चुके थे मगर दूर नहीं गए थे। वो शायद घबरा भी गए थे। आगे रेतीली चट्टाने थी, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कभी दाएं जाते कभी बाएं। अली बिन सुफियान ने अपने घोड़े एक सप में फैला दिए और भागने वालों से 100 गज दूर जा पहुंचा। एक तीर अंदाज ने दौड़ते घोड़े से तीर चलाया जो एक घोड़े की अगली टांग में लगा। घोड़ा बेकाबू हो गया। थोड़ी सी और भाग दौड़ के बाद वो दोनों घेरे में आ गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने झूठ बोला, अपने आप को ताजिर कहा, लेकिन तलाशी ली तो पैगाम मिल गया जो नाजी ने उन्हें दिया था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। घोड़ों को आराम का वक्त दिया गया और ये पार्टी वापिस हुई। सलाहुद्दीन अयूबी बेताबी से इंतजार कर रहा था। दिन गुजर गया, रात भी गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजर गई, अयूबी लेट गया और उसकी आंख लग गई। सहर के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से उसकी आंख खुल गई। दौड़कर दरवाजा खोला, अली बिन सुफियान खड़ा था। उसके पीछे उसके 8 सवार और 2 कैदी खड़े थे। अली और कैदियों को सलाहुद्दीन अयूबी ने सोने के कमरे में ही बुला लिया और अली से नाजी का पैगाम लेकर पढ़ने लगा। पहले तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, फिर जैसे यखलत खून जोश मार कर उसके चेहरे और आँखों में चढ़ गया हो। नाजी का पैगाम खासा तवील था। उसने सलीबियों के एक बादशाह फिरेंग को लिखा था कि वो फला दिन और फला वक्त यूनानियों, रूमियों और दीगर सलीबियों की बहरिया से बहर रूम की तरफ से मिस्र में फौजें उतार कर हमला कर दे। हमले की इत्तला मिलते ही 50,000 सोडानी फौज अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देंगी। मिस्र की नई फौज हमले और बगावत का बेक वक्त मुकाबला करने के काबिल नहीं। उसके आउज नाजी ने तमाम तर मिस्र या मिस्र के बड़े हिस्से की हुक्मरानी की शर्त पेश की थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तहखाने की कैद में डाल दिया और उसी वक्त अपनी नई फौज का दस्ता भेजकर नाजी और उसके 3 नाइबेन को उनके मकानों में नजर बंद करके पहरा लगा दिया। नाजी के हरम की तमाम औरतें आज़ाद कर दी गई। उसकी जाती खजाने को सरकारी खजाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई। सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान की मदद से नाजी के उस खत में जो पकड़ लिया गया था हमले की तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी।
दो ज़हीन आदमियों को ये पैगाम देकर शाह फिरंग की तरफ रवाना कर दिया गया। उन आदमियों को ये जाहिर करना था कि वो नाजी के पयामबार है। उन्होंने रवाना करके उस सौडानी फौज को मिस्री फौज में मुदगम करने का हुक्म रोक लिया। आठवें रोज पयाम्बर वापिस आ गए, वो नाजी का पैगाम दे आए और फिरंग का जवाब नाजी के नाम ले आए थे। फिरंग ने लिखा था कि हमले की तारीख से दो दिन पहले सौडानी फौज बगावत कर दे ताकि सलाउद्दीन अयूबी को सलीबियों का हमला रोकने की होश ही न रहे। अली बिन सुफियान ने सलाउद्दीन अयूबी की इजाज़त से उन दो पयाम्बरों को नज़रबंद कर दिया। ये बाइज्जत नज़रबंदी थी जिसमें उन दोनों के आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश न हो जाए। सलाहुद्दीन अयूबी ने बहर रूम के साहिल पर उन मुकामात पर अपनी फौज को छुपा दिया जहाँ सलेबियों की बहरिया को लंगरअंदाज होना और फौजें उतारनी थी। उसने उन मुकामात से दूर अपनी बहरिया भी छुपा दी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मौरिक सिराजुद्दीन ने लिखा है कि सौडानी फौज ने सलेबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी, जो सलाहुद्दीन अयूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुस्न सलूक से दबा ली। बगावत की नाकामी की एक वजह ये भी थी कि बागियों को अपना सालार नाजी कहीं नज़र नहीं आया था और उसका कोई नायब भी सामने न आया। वो सब कैद में थे। मगर एक और मौरिक हिताची लिखता है कि सौडानी फौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी। ताहम ये दोनों मौरिक बाकी वाकियात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं। दोनों ने लिखा है कि सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी और उसके नाइबेन को कैद में सजाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया था। उन दोनों मौरिखों ने और तीसरे मौरिख लेनपोल ने भी सलेबियों की बहरिया के आयदाद वो शुमार एक ही जैसे लिखे। वो लिखते हैं कि ख़त में दी हुई तारीख के आयन मुताबिक सलेबियों की बहरिया जिसमें फिरंग की, यूनान की, रोमियों की और सिसली की बहरिया शामिल थी, मुतहद्दा कमान में बहर रूम में नमूदार हुई। मौरिखों के आदाद व शुमार के मुताबिक जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी। उसके अलावा 12 जंगी जहाज बहुत बड़े थे, उनमें मिस्र में उतारने के लिए फौज थी। उस फौज का सलेबी कमांडर एमलर्क था, जिन बाद बानी कश्तियों में रसद थी उनकी तादाद का सही अंदाज़ा नहीं किया जा सका। जहाज दो कतारों में आ रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने दफा की कमान अपने पास रखी। उसने सलीबियों की बहरिया को साहिल के करीब आने दिया। सबसे पहले बड़े जहाज लंगरअंदाज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजनीकों से फेंकी हुई मशालें थी और आग के गोले और ऐसे तीर भी थे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई मशालों के मानिंद थे। मुसलमानों की बरसाई हुई उस आग ने जहाज़ों और कश्तियों के बादबानों को आग लगा दी। जहाज लकड़ी के बने हुए थे, फौरन जल उठे। उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज आ गए, उन्होंने भी आग ही बरसाई। यूं मालूम होता था जैसे बहर रूम जल रहा है। सलेबियों के जहाज रुख मोड़ कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को जलाने लगे। उनमें से सलेबी फौज समुंदर में कूद गई। उनमें से जो सिपाही साहिल की तरफ आए वो सुल्तान अयूबी के तीर अंदाजों का निशाना बने। उधर नूरुद्दीन जंगी ने शाह फिरंग की सल्तनत पर हमला कर दिया। फिरंग ने अपनी फौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुश्की के जरिए रवाना कर दिया था।
फिरंग सलेबियों की बहरिया के साथ था, उसे अपने मुल्क पर हमले की इत्तला मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क में पहुंचा। मगर वहां की दुनिया ही बदल गई थी। बहरे रूम में सलीबियों का मुतहद्दा बेड़ा नजर आतिश हो गया और फौज जलकर और डूबकर खत्म हो गई। सलीबियों का एक और कमांडर एमलोक बच गया। उसने हथियार डालकर सुलह की दरख्वास्त की, जो बहुत बड़ी रकम के आवज मंजूर कर ली गई। यूनानियों और सिसली वालों के कुछ जहाज बच गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें अपने जहाज वापस ले जाने की इजाज़त दे दी, मगर रास्ते में ऐसा तूफान आया कि तमाम तर बचे कच्चे जहाज गर्क हो गए। 19 दिसंबर सन 1159 के रोज सलीबियों ने अपनी शिकस्त पर दस्तखत किए और सलाहुद्दीन अयूबी को तावान अदा किया। बेशतर मौर्रिखीन और माहिरीन हर्ब व ज़र्ब ने सलाहुद्दीन अयूबी की इस फतेह का सेहरा उसकी इंटेलिजेंस सर्विस के सर बांधा है। रक्कासा ज़कोई का जिक्र उस दौर के एक मराकशी वाकाए निगार असदुल असदी ने किया है और अली बिन सुफियान का तारुफ भी उसी वाकाए निगार की तहरीर से हुआ है। ये तो इब्तिदाती सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पहले से ज्यादा खतरों में घिर गई। मोहतरम प्यारे नाजरीन, दास्तान का चौथा पार्ट मुकम्मल हुआ। कोई गलती या शिकायत करनी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और इस्लाम की पासबानी के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी देने वाले उन जाबाजों के लिए एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑल पर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुँचे। इससे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।